कंपाउंड ग्रॉस मिलो कंपाउंडर से तो मिल लिए, तो बोले कंपाउंडर तो इंजेक्शन दे देगा एक फेंस के, रोज दे रहा हूं मैं 20 दिन से, है ना। और फिर क्या करे, बोले नर्स से मिलो। नर्स कौन, अपनी आरिका, है ना। मुनि लोग कंपाउंडर, नर्स आरिका और ब्रह्मचारी एलक चुलक पर्चा बनाने समझ में आ रहा। और तुम सब मंदिर अपनी अस्पताल, समझ में आ रहा। जिनको जन्म जरा मृत्यु के रोग लगे हैं एडमिट, है ना, और ज्यादा घायल हो रहे तो बड़ी ब्रांच में रेफर करेंगे, जाओ विद्या सदन के पास, बड़े डॉक्टर के पास जाओ, हम मृत्यु केवल जो वो कहेंगे वो तुम्हें दे देंगे। तो अब क्या करें, स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो जन्म मृत्यु के रोग का अस्पताल कौन सा है। स्पेशलिस्ट बोलो, देवता तो कितने हैं, 3.5 करोड़। सुपर स्पेशलिस्ट कौन है, उनके तो जन्म मरण नहीं है ना, पद्मावती, चित्रपाल, भरणेन्द्र, ये जन्म मरण से मुक्त हैं क्या, ये भी पेशेंट हैं, हम भी पेशेंट हैं। तो किसकी, पेशेंट पेशेंट का इलाज करेगा क्या, किसके पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के। तो इस रोग का सबसे सुपर डॉक्टर कौन है, जिसके खुद के जन्म मरण मिट गए, समझ में आ रहा, कौन हुए, हरिहंत और वो स्पेशलिस्ट है। वो उनके पास जाओ तो भगवान, क्या बात है, भगवान बोले क्यों आए रे मंदिर में, बोले भगवान बीमार, बोले क्या, बोले जन्म और देखो सबसे बड़ी बीमारी है ये है तो सर्दी जुकाम भी है, ये है तो क्रोध मान माया रूपी, ये जन्म मरण मिटा भी सब खत्म है ना, मोह राग द्वेष सब खत्म हो जाएंगे। भगवान के पास गए, मुझे बीमारी है, भगवान कहेगा क्या करता है तू, बीमारी के अनुकूल काम करता है या प्रतिकूल, अनुकूल क्या, मोह की मदिरा पीता है ना, क्रोध करता हूँ भगवान में, कसाय करता हूँ भगवान में, छलकपट करता हूँ भगवान में, झूठ बोलता हूँ भगवान में, भगवान बोलेंगे ये सब वायरस है, इसी तरह जन्म मरण करवाएंगे, तो इंजेक्शन ले, काय का एंटीवायरस, क्या करूँ भगवान, बोले 3 गोली खा, एक दोपहर एक शाम एक रात, कौन सी गोली, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, ये 3 गोलियां खा तो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा।